हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप सबका स्वागत है टेक्निकल सेंस चैनल पे। तो गाइस, फरवरी का महीना आ गया है और हाँ, आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर, हम आपको उसके बारे में बताना शुरू कर दिया हमने। और जनवरी की अगर आपने नहीं देखी है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एंड ये है, फरवरी का महीना आ चुका है और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। तो गाइस, ये है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ फरवरी जो कि लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर 2020 के अंदर, और स्पेसिफिकली जो इंडिया में लॉन्च होंगे आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते आज की वीडियो। तो गाइस, पहला निकल के आ रहा है शाओमी की तरफ से, शाओमी पोको। हाँ, मैं मानता हूँ पोको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है। गाइस, पोको की तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है पोको X2, F2 नहीं, X2 मिलने वाला है। और हाँ, आगे आपको फ्यूचर में काफी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है बिकॉज अभी इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है। तो पहला फोन जो लॉन्च कर रहा है ये है इसका पोको X2। एंड हाँ गाइस, कह सकते हैं ये रेडमी K30 का रीब्रांडेड वर्जन है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो काफी अच्छा है। देख सकते हैं, अगर आप इसके स्पेक्स में अगर देखें आप, तो यहाँ मिलता है आपको 6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले जो कि LCD पैनल होने वाला है। ये थोड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का। एंड बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप। एंड यहाँ मिलता है आपको, सेल्फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको डुअल पंच होल सेल्फी मिलने वाला है। एंड यहाँ का ध्यान से देखा आपको यहाँ मिलने वाला है साइट फिंगरप्रिंट मोड मिलने वाला है जो कि आपको काफी अच्छा है। लॉक अनलॉक जो स्क्रीन वाला बटन होता है आपको उसमें मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। एंड बात करें इसके चार्जर की, यहाँ आपको कंपनी टीज कर रही है इसमें फास्ट चार्जर होगा, तो आप लेके चलिए 27 वॉट का फास्ट चार्जर इंडिया में लॉन्च हुआ है, आई थिंक वही इसमें आपको मिल रहा है बॉक्स के अंदर। एंड प्राइसिंग की बात करें तो गाइस, आप लेके चलिए 16 से 20 हजार के बीच में होगी, तो काफी दमदार होगा बिकॉज जो ये पोको X2 सीरीज है, आप लेके चलिए ये इंडिया के लिए एक ऐसा सेगमेंट है जो कि 16 से 20 हजार के बीच में रहे तो बेटर रहेगा और काफी अच्छा सेल आउट होगा ये चीज। आप मुझे कमेंट करिए कि आप क्या वेट कर रहे हैं पोको X2 का, वेट कर रहे हैं तो क्या आप परचेस करेंगे इस चीज को, अगर 4 फरवरी को लॉन्च होगा किस प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। मैं आपको बाकी चीजें अपडेट कर दूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, आपको वहां पे सारे अपडेट मिलते जाएंगे 4 फरवरी को। दोस्तों, अगला है ये स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी C3 जो कि इंडिया में फरवरी 6 को लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस, बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, गाइस यहां आपको मिलता है 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप डिस्प्ले और मिनी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि आपको एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ये काफी अच्छी बात है। C2 अपने अगर आपने देखा हो तो गाइस, ये बहुत ही अंडर बजट है, मतलब 6-7 हजार के बीच का प्राइस सेगमेंट है जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सपोर्ट मिलने वाला है, तो काफी अच्छी बात है क्योंकि आपको C3 में मिलेगा। एंड गाइस, बात करें इसे कैमरा की, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यूअल कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल का AI सुपर कैमरा मिलने वाला आपको, तो काफी अच्छा है। एंड बात करें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको बैटरी मिलती है, मैसिव बैटरी है 5000 mAh की जो कि काफी आपको लॉन्ग लाइफ आपको परफॉर्मेंस देने वाली है बैटरी के मामले में। एंड गाइस, बात करें इसके एक प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर जो कि गेमिंग के लिए बनाया गया है, वो भी सस्ते रेंज के अंदर, यानी आप लेके चले 6 से 8 हजार के रेंज के अंदर आपको बेटर गेमिंग देने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। एंड कंपनी ने खुद काफी चीजें टीज कर दी हैं। बात करें कि स्टोरेज वेरिएंट की, तो आपको यहाँ मिलने वाला है 3GB एंड 32GB वाला वेरिएंट, एंड अगला आपको मिलने वाला है 4GB 64GB वाला वेरिएंट। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेंगे इंडिया के अंदर। एंड प्राइस आप लेके चलिए 6000 से 8000 के बीच में ये प्राइस जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस देखिए, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है आपको और वो भी 6 से 8 हजार के अंदर अगर मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपको 5 से 6 8 हजार तक आपको लेना है स्मार्टफोन, तो आप वेट कीजिए स्मार्टफोन का, 6 फरवरी को ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर। बाकी सारे अपडेट आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दे दूंगा। गाइस, अगला आ रहा आईकू की तरफ से, तो आपको पता है गाइस, चाइना में आईकू वीवो आईकू के नाम से स्मार्टफोन काफी लॉन्च हुए थे एंड फाइनली अभी इंडिया में आ रहा है। तो आईकू अब अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनके इंडिया में लेके आ रहा है, कोई वीवो नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ आईक्यू के नाम से होगा। एंड गाइस, ये काफी स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, आप लेके चले फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन होने वाले हैं, तो काफी अच्छी रेंज होने वाली। एंड अगर आप देखें तो ये इंडिया का ऐसा पहला स्मार्टफोन होगा जो कि आपको स्नैपड्रैगन 865 देगा विद 5G सपोर्ट के साथ, तो काफी अच्छी बात है। एंड गाइस, बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो आप लेके चलिए 10 से 20 फरवरी के बीच में, यानी कि आप लेके चलिए सेकंड और थर्ड वीक में आपको मिल जाएगी इसकी लॉन्च डेट भी, और क्या पता ये लॉन्च हो जाए, तो आपको काफी चीजें आपको मैं अपडेट कर दूंगा अपने ट्विटर हैंडल पे। तो गाइस, काफी धमाकेदार चीजें लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर स्मार्टफोन को लेके। बहुत सारे स्मार्टफोन है, शाओमी, रियलमी, इवन बहुत सारे स्मार्टफोन है,
तो ओप्पो क्यों शांत रहे, तो ओप्पो भी अपना लॉन्च करने वाला है ओप्पो रेनो 3 सीरीज एंड आप लेके जाइए। इसके अंदर आपको मिलेगा 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड इसमें आपको मिलने वाला है 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो काफी अच्छा कैमरा होने वाला है इस मामले में। एंड गाइस अभी लॉन्च डेट निकल के नहीं है पर आप लेके चलिए, ये आपको मिलेगा मिड फरवरी के अंदर। तो गाइस रियलमी का एक और स्मार्टफोन है जो कि अभी और लॉन्च होने वाला है फरवरी के अंदर, आई थिंक आप लेके चलिए या तो यू सीरीज होगा यानी कि यू ट्यू या फिर Realme का 6 सीरीज होने वाली है। तो आप लेके चलिए कोई दो में से एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए ये आप लेके चलिए, बिकॉज आपको Realme ने बताया है कि आपको इसका फिटनेस बैंड भी आपको लॉन्च होने वाला है। तो आप फरवरी में काफी चीज लेके चलिए, Realme बहुत सारी चीजें लॉन्च होने वाला है, इनफैक्ट आपका Realme C3। तो गाइस अगला स्मार्टफोन आ रहा है Samsung की तरफ से, Samsung Galaxy S20 सीरीज जो कि 11 फरवरी को बाहर लॉन्च होने वाली है इंडिया के बाहर, एंड शायद आप लेकर चलिए आपको नेक्स्ट डे या फिर उसी रात तक आपको क्या पता सैमसंग इंडिया की आपको लॉन्च डेट मिल जाए, और आई थिंक आप लेकर चलिए फरवरी के एंड में आपको आई थिंक स्मार्टफोन लॉन्च होते मिल जाए, और आई थिंक मार्च में आपको ये सेल पे मिल जाएगा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20, क्योंकि काफी दमदार स्मार्टफोन है, काफी दमदार स्पेक्स है इसके, फ्लैगशिप लेवल का काफी किलर स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी जो भी चीज होगी 11 फरवरी को आपको सब पता लग जाएगा कि क्या प्राइसिंग बाहर लॉन्च हुई है और इंडिया में क्या प्राइसिंग आ सकता है। तो गाइस Xiaomi की तरफ से एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है Xiaomi Redmi 9 सीरीज का, बिकॉज अभी आपको मैंने बताया था Realme C3 जो कि अच्छा प्राइस सेगमेंट पे है, 6,000 से 8,000 के बीच की प्राइस सेगमेंट है, तो क्या पता Redmi भी अब इस लाइन में लग जाए और Xiaomi Redmi 9 सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा Redmi 8A काफी अच्छा स्मार्टफोन था एंड Redmi 9A भी लॉन्च हो सकता है, तो क्या पता गाइस आप देख सकते हैं 9 सीरीज के और भी लाइनअप आ सकते हैं Redmi की तरफ से। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ फरवरी इन 2020 जो कि लॉन्च होंगे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली काफी धमाकेदार प्राइसिंग के साथ। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप नए हो, एंड कमेंट करना कि आप कौन सा फोन प्लान कर रहे हैं परचेज करने का इन फ्यूचर, कमेंट जरूर करना कि आप पोको एक्स ले रहे हैं और लेंगे तो क्या आपको अच्छा लगा कि ये रीब्रांड होके आ रहा है, कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।